दोस्तों हमारे पास एक रियलमी का स्मार्टफोन है, जैसे कि देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है, ये फ़ोन लॉक है। और इस फ़ोन की मदद से, इस वीडियो की मदद से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी रियलमी ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। तो चलिए यहाँ पर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने स्मार्टफोन को ऑन कर लेते हैं। जब तक हमारा ये फ़ोन ऑन होता है तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Realme का स्मार्टफोन है जो कि देख सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है। अभी ऑन होगा तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन हमारा लॉक है। इसमें ना तो फिंगरप्रिंट ना ही फेस लॉक कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही मैसेज, पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फोन रीस्टार्ट्स। तो ये ऑप्शन आपके पास भी, आपको भी मिला होगा। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ पासवर्ड से ही खुलेगा, ना तो फिंगर से खुलेगा और ना ही ये आपके फेस लॉक से खुलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे सामने बस एक ही ऑप्शन नज़र आता है, वो नीचे होता है इमरजेंसी कॉल का। लेकिन इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इवन सर्विस सेंटर वाले भी, ऑफिशियल सर्विस सेंटर के जो लोग हैं Realme, Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, सब इसी मेथड से आपके फ़ोन को अनलॉक करते हैं। उनके पास कोई हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते हैं। अब कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको ये ऑप्शन अनेबल कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मार्च का जो लेटेस्ट कोड है, ये कोड आपको इंटर कर रहा हूँ मैं, और इसको आप हैज की मदद से यहाँ पे कॉल करके यूज कर सकते हैं FRP को। सबसे पहले इसको लिख लेना है, 89 से शुरू है, लेकिन यहाँ पे जो पहले है स्टार हैज आपको यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार हैज 89 करके है। तो यहाँ पे स्टार हैज शुरू में आपको लगाना होगा और उसके बाद लास्ट में जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको बहुत इजी वे से अपने फ़ोन को FRP के तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। इवन इसको यहाँ पे कॉल कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 to 8 टाइम इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से नंबर हटा देता हूँ, जिन लोगों ने नंबर को नहीं लिखा वो बैक करके देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ इसी तरीके का ऑप्शन आ रहा है, हमें बैक कर लेना है वापस से। वापस से बैक करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ डायल करना है *#899 और हैज, इस तरीके से *#899 जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं हम पहुँच जाते हैं इंजीनियर मोड वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ जो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे हमारे फ़ोन में जो मैनुअल टेस्ट होते हैं उसको यहाँ पे मैनुअली हम लोग करेंगे, जितने भी टेस्ट हैं सब मैनुअली करेंगे और उसके साथ ही हम अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा चेक स्मॉल बोर्ड मैच बोर्ड वर्जन, तो इसको यहाँ से क्लिक करके पास कर लेना। अगर ये ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको देखिए सेंसर सेल्फ टेस्ट कैलिब्रेशन करना है। ये होने, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो भी करना है, अगर है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है, ध्यान दीजिए। तो ये टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन है, दो सेंसर है, तो दोनों को जब हम टेस्ट करेंगे तो पास या फेल का ऑप्शन आएगा, या तो दोनों फेल हो जाएंगे या तो दोनों पास होंगे, या तो एक फेल होंगे या तो एक पास होना, हमें चाहिए एक फेल एक पास। अगर दोनों पास हो जाए तो भी अच्छा, यानी कि एक पास तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दोनों पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि एक यहाँ पे हमारा फेल हो चुका है लेकिन एक हमारा पास हो गया, और हमें यही चाहिए था कि कोई ना कोई एक सेंसर जो है हमारा वर्क करते रहना चाहिए। बैक करेंगे हम, बैक करने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एम सेंसर ऑटो पे चेक करना है कि हमारा क्या ये टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। बैक करेंगे, बैक करने के साथ यहाँ पे आपको लाइट सेंसर वाले पे भी क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट सेंसर है वो 200 के ऊपर है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसको बैक कर लेना है। बैक करने के साथ साथ हमें यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चल जाना है जहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे रीड राइट पे क्लिक करना है और अभी जो है यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड ऑटोमेटिक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है। फाइनली की स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे,
जहाँ पे पास 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 का ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे बीच से आपको ये जो फ़ोन है बीच से आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो ऐसे स्क्रॉल करते ही आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा, इवन आपसे कोई पासवर्ड पैटर्न पिन भी नहीं पूछा जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको यूज कीजिए, देख के सीखिए कैसे ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।